हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के मैं आपके लिए आ चुका हूं, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के संबंध में। जी हां, 10वीं और 12वीं परीक्षा 2020 का जो है ऑफिशियली कहा जाए, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया भाई था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है एग्ज़ाम डेट के संबंध में पूरी सूचना सरकार की तरफ से दे दी जाएगी, और हुआ ऐसा ही। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, किस डेट में कौन सा पेपर है पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। इसके संबंध में पूरा पूरा जो है कि आपका जो है इंटरमीडिएट का कब शुरू हो रहा है और हाई स्कूल का 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, पूरी खबर हम देंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो मित्रों, लेते हैं पूरी खबर, जो बहुत ही भयंकर खबर निकल के आ रही है यूपी बोर्ड एग्जाम डेट के संबंध में, पूरी खबर विस्तार से लेते हैं हम लोग अब। तो मोटी मोटी बातें हम आपको बता दें कि अब की बार जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के टोटल मिलाकर के लगभग 55 लाख परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और मैं आज ही बता दूं कि आज जो है आपका रिजल्ट 25 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। अब लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यूपी बोर्ड 2020 तय हुई हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की तारीख, जानिए कब आएगा रिजल्ट। पूरी खबर आप देख लेते हैं आगे, यहाँ से देख सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाएं 2020 की परीक्षाएं 18 फरवरी से होंगी, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 मार्च और हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च तक चलेंगी। ये बड़ी चीज़ देख सकते हैं, 2020 की परीक्षा 18 फरवरी से आपकी स्टार्ट होंगी, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 मार्च और हाई स्कूल की परीक्षाएं आपकी 3 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। यह घोषणा माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की है। वहीं इसका रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। इस बार लगभग 55 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि वह 9 जुलाई को स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लास लेंगे। तो ये बड़ी चीज़ दे सकते हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं कॉमर्स विभाग के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वर्तमान में जो हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में 9 जुलाई को खुद क्लास लेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाई स्कूल की परीक्षाएँ 12 और इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ 15 दिन तक चलेंगी। 15 से 25 मार्च तक सिर्फ 10 दिनों में कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 जुलाई को स्कूल शुरू होने के साथ ही परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नकल रोकने के लिए इस बार बी कापी भी क्रमांक डाला जाएगा। ये बड़ी चीज़ है कि आपको जो बी कॉपी मिलती थी उस पर भी आपका जो पहली बार कापी से क्रमांक डाला जाएगा। सभी आंसर शीट पर लाइन का रंग अलग अलग होगा। बाकी देख सकते हैं उन्होंने ये क्या बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए मासिक विभाजन किया जाएगा कि इस महीने में इतना कोर्स कंप्लीट करना ही करना है। 1 जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। पिछली बार 7 फरवरी से परीक्षाएं हुई थी, 50 लाख से अधिक परीक्षार्थी थे, 14 दिन में हाई स्कूल और 12वीं 16 दिन में पूरा हुई थी। तो ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं। वहीं नकल पर सख्ती के चलते 335 नकलची पकड़े गए थे पिछली बार। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 10,000 शिक्षक भर्ती और उच्च शिक्षा में 13,000 भर्तियां हो रही हैं। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं 5 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगी और 5 जून तक उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो साथ ये भी घोषणा की गई है कि 5 अप्रैल से, देख सकते हैं, 5 मार्च से 30 अप्रैल तक जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है मित्रों कि आप लोगों की जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम डेट शिफ्ट कर दिया गया है। हम पूरी स्कीम लेकर आपके समक्ष आएंगे और जो है नेक्स्ट वीडियो में, ये बड़ी खबर थी, आप तक पहुँचाना जरूरी था, बिल्कुल तैयार हो जाइए। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि उस सभी मित्र आपके जो हैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन तक ये पूरी सूचना पहुँच जाए। धन्यवाद।